नमस्कार, कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज में मैं चीफ रिपोर्टर शांति सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं। और आज हमारी टीम आपको लेकर पहुंची है गोयल होम्यो क्लिनिक ओल्ड तहसील अम्बाला रोड जगाधरी में। जैसे कि हमने फर्स्ट पार्ट में बहुत अच्छे से कवरेज ली, डॉक्टर प्रदीप कुमार जो गुप्ता जी हैं, जो कि 35-40 वर्षों से इस क्षेत्र में अपनी बेहतरीन सेवाएं दे रहे हैं, होम्योपैथी की जो सेवाएं हैं, जो चिकित्सा है, उसे बहुत अच्छे से पेशेंट्स को प्रोवाइड कर रहे हैं और पुराने से पुरानी बीमारियों का इलाज कर रहे हैं और अपने पेशेंट्स को लाभ पहुँचा रहे हैं। उसी कड़ी में आज हमारे साथ डॉक्टर हिमांशु जी मौजूद है। आइए डॉक्टर हिमांशु जी से लाइव मुलाकात करके जानकारी लेते हैं कि सर भी अपनी जो सेवाएं हैं कितने समय से यहाँ पर दे रहे हैं, किन किन चीज़ों का इलाज उपलब्ध है यहाँ पर। जैसे कि हम देख पा रहे हैं मानसिक तनाव, घबराहट, जो आजकल की भागदौड़ की जो एक रूटीन है हर एक व्यक्ति का, उस समय में मानसिक चिंता होना, घबराहट होना, करियर को लेकर काफ़ी सारे क्वेश्चन माइंड में चला, इस तरह की एक जो समस्या है रूटीन की वो बन चुकी है सभी के करियर से लेकर हर तरह की। तो इस तरह का मतलब होमियो के अंदर ऐसे कोई बीमारी नहीं है जिसका इलाज ना उपलब्ध हो, चाहे फुलबेरी हो, चाहे मानसिक बीमारियां हो, चाहे पोस्ट कोरोना हो, यानी कोरोना से अगर ग्रसित हो जाता है कोई व्यक्ति, उसके बाद में क्या उसका रिजल्ट रहता है, किस तरह से उसके शरीर प्रभावित होता है, इन्हीं सभी बिंदुओं पर प्रकाश डालते हुए आइए सर से लाइव मुलाकात करते हैं। नमस्कार। मेनली तो जैसा आजकल का माहौल चल रहा है, इस वक्त तो हम कोरोना से रिलेटेड ही चीज़ बात करते हैं। वैसे तो हमारे यहाँ पर हमने एक टॉनिक बनाया है, एटी, जिसको हमने नाम रखा है, जो इम्यूनिटी बूस्टर का भी काम करता है। इसको अगर जो कोरोना के जो बाद वाली कमजोरी जो आती है, जो कि हर मरीज ने महसूस की है कि वो उठ नहीं पाता है, ज़्यादातर की जो अच्छी उम्र के लोग होते हैं वो जो कोरोना से लड़कर निकलते हैं उसके बाद जो कमजोरी हो जाती है, उसमें बहुत ज़्यादा सहायक है। क्योंकि इसमें हर चीज़ हमने डाली है, जैसे कि ओलियम सेंटोली, जिसे कि हम चंदन भी कहते हैं, या क्रोकस टाइबस, जिसे हम केसर कहते हैं, ब्रह्मी, अश्वगंधा, हर चीज़ हमने इसमें डाल के एक टॉनिक तैयार किया होम्योपैथी का अपना, और इसके बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। और हमने ये पाया है कि ओल्ड एज में भी जिन्हें बहुत ज़्यादा वीकनेस आ जाती है वो भी जल्दी अपने डेली रूटीन में शिफ्ट हो जाते हैं। तो सर, इस टॉनिक के माध्यम से अभी तक आपने इस टॉनिक को कितने लोगों पर यूज किया है और आपको इसका कितने परसेंट रिजल्ट मिला है और कितना अच्छा रिस्पांस आया है इस चीज़ का? देखिए, हमने अपने ज़्यादातर मरीजों को दिया है जो कोरोना से पीड़ित थे। हमने कोरोना के मरीज भी देखे हैं, हम कोशिश करते थे कि फोन पर ही देखा जाए उनको ना, यहाँ पे देखा जाए, और हम उनको मना भी करते थे। तो हमने ये 70-80% में पाया है कि उनकी रिकवरी बहुत तेजी से हुई जी। कईयों में और भी चीज़ें देनी पड़ जाती थी टॉनिक, और भी डाइट भी चेंज करनी पड़ती है, क्योंकि आप जानते हैं कि आजकल हर कोई पीड़ित है बीमारियों से, उनकी अदर मेडिसिन भी चल रही होती हैं, तो कभी कभी रिकवरी नहीं आती है एकदम, लेकिन ज़्यादातर मरीजों में इसकी वजह से रिकवरी बहुत फास्ट आई है। तो सर, और किस तरह का इलाज यहाँ पर मौजूद है जिसका बहुत अच्छा रिजल्ट आपको अपने पेशेंट से मिल पाता है और आपके पेशेंट्स आपकी सेवाओं से संतुष्ट हैं? लेकिन ज़्यादातर तो वैसे जो मेरा लाइन ऑफ वर्क है वो ज़्यादातर डिप्रेशन, मानसिक तनाव और इनसे रिलेटेड लोगों पर आता है। मैं ज़्यादा इन्हीं पर काम करता हूँ। मैंने एक चीज़ बनाई है एडी जी, बेसिकली इसका नाम है एंटी डिप्रेशन, क्योंकि ये आजकल जो ऐसा हो गया कि 1-2 साल के बच्चे से लेके 80 साल का जो बूढ़ा है वो हर कोई आजकल डिप्रेशन का मरीज है। छोटी छोटी बात सहन नहीं होती है, उसकी वजह से वो सोचते रहते हैं, नींद नहीं आती है, तो ये उन सब चीज़ों पर हेल्पफुल है। ये नींद लाने में भी मदद करता है, हालांकि हम खाली इस चीज़ के लिए कोई दावा नहीं करते, ये ज़्यादा घबराहट के लिए कि आपको एकदम से घबराहट हुई, जैसे कि माहौल चल रहा है, लोग इतने ज़्यादा पैनिक हो गए थे, फाइनेंशियली हो गए थे, तो उसमें भी ये बहुत हेल्पफुल। बहुत अच्छी आपने सर जानकारी हमसे साझा की। जैसे कि हमने विजिट भी किया, पहले भी विजिट किया, हमें यहाँ पर बहुत अच्छा सिस्टम लगा, सोशल डिस्टेंसिंग का बहुत अच्छे से पालन हो रहा है, सैनिटाइजेशन का भी बहुत अच्छी व्यवस्था है, लोग जैसे अंदर प्रवेश करते हैं, पेशेंट्स आते हैं, कोई और भी जैसे अगर विजिट करता है तो बहुत अच्छी व्यवस्था है, सैनिटाइज होकर पूरे मास्क वगैरह पहनकर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर यहाँ पर इलाज ले रहे हैं।
तो सर और भी क्या चीज यहाँ पर उपलब्ध है आपके पास जिससे कि पेशेंट्स लाभ ले पाते हैं? वैसे तो देखो हम जनरल फिजिशियन है, हम हर तरह के मरीज को देखते हैं, ट्रीट करते हैं, लेकिन हमारी एक लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है। हम कोई भी ट्रीटमेंट ऐसे ही शुरू नहीं करते थे, हम पहले उसे स्टडी करते हैं, हमें लगता है कि हमारे मतलब का है तभी हम उसे कंटिन्यू करते हैं, नहीं तो हम पेशेंट को पहली बारी में जवाब दे देते हैं। ज़्यादातर जैसे किडनी फेलियर के पेशेंट आते हैं जिनका क्रिएटिनिन 10 तक चला जाता है या 8 क्रॉस कर जाता है, उनमें हमें पता है कि रिजल्ट एकदम नहीं आता है, इसलिए हमने पहले ही कह देते हैं कि भाई हम 2 महीने तक कोच करेंगे, अगर जो कुछ हो सकता होगा बन पड़ता होगा तो हम करेंगे। लेकिन हमारी मेन जो अभी हम रिसर्च कर रहे हैं, मैं खुद रिसर्च कर रहा हूँ, तो हमने विटिलिगो में जो कि मेरा मास्टर डिग्री जब मैं ले रहा था उसमें भी टॉपिक रहा, तो मैंने उसके बाद ये टॉनिक बनाया था विटिलिगो के मरीजों के लिए। इसका एक स्प्रे भी हम बनाते हैं, इसमें क्या होता है कि जिसे कि हम फुलबेरी भी कहते हैं आम भाषा में, इसमें क्या है हमारी एक जो चमड़ी की जो पिगमेंट होती है वो खराब ख़त्म होने लग जाती है, इसके कई कारण हो सकते हैं, लेकिन हमने ये देखा है कि अगर जो ये कम उम्र के बच्चों को हो गई तो वो अगर जो सही समय पर ट्रीटमेंट नहीं मिलता तो उनको फैलती चली जाती है। जी बिल्कुल, तो जैसे ही वो फैलती है और अगर वो सही टाइम पे हमसे आके ट्रीटमेंट ले गए तो हमने कईयों को 100% भी ठीक करा है, लेकिन ये एक लंबे समय का प्रोसीजर होता है जिसके लिए पेशेंट्स की खास जरूरत होती है, क्योंकि हमारे पास डायरेक्ट जल्दी से पेशेंट आता नहीं है। ये इसकी सबसे बड़ी वजह ये है, समय ज़्यादा लगता है जी। अब वो इतना ट्रीटमेंट लेके आता है कि उसको हमारे यहाँ सेट होने में टाइम लगता है जी। तो सर जिस तरह से एलोपैथी का अपना इतिहास है, उसका अपना महत्व है, और इसी तरह से जो आयुर्वेदिक दवाइयाँ हैं उसका भी महत्व है, उसी तरह से होम्योपैथिक जो दवाइयाँ हैं उनका कितना स्कोप बड़ा है, और जो युवा पीढ़ी है, जैसे कि आप युवा पीढ़ी से ही बिलोंग करते हैं, तो सर युवाओं में इसके प्रति कितना उत्साह है और कितना ज़्यादा इसके लिए वो अग्रसर है? आजकल तो वैसे मेरे हिसाब से हर कोई जानता है होम्योपैथी को, बहुत ऐसा नहीं है कि हम हर कोई समझाना पड़े, क्योंकि बड़े शहरों में बहुत ज़्यादा प्रचलित हो चुकी है जी। इधर भी हरियाणा में भी उपयोगिता को समझने लगे, समझ चुके हैं वो लोग कि भाई ये भी एक प्रॉपर साइंस है। हालांकि एलोपैथिक अभी भी उतना सपोर्ट नहीं करती, लेकिन मैं बड़े शहरों में जहाँ पर मैं MD करता था, जैसे जयपुर हो गए, UP हो गया, चंडीगढ़ हो गया, वहाँ पर एलोपैथ भी काफ़ी इसको सपोर्ट करते हैं, वो भी रिकमेंड भी करते हैं, यहाँ तक कि PGI के कुछ डॉक्टर जो है हमारी आई ड्रॉप्स या अदर चीज़ें उपयोग में लाते हैं, प्रिस्क्राइब भी करते हैं जी। तो सर एज ए डॉक्टर, जैसे डॉक्टर का ध्येय होता है कि चाहे पेशेंट्स इलाज किसी भी पद्धति से लें, किसी भी चिकित्सा से करवाएं, लेकिन उसका डॉक्टर का ध्येय होना चाहिए कि पेशेंट्स ठीक हो किसी भी तरह से हो, तो सर आप अपनी जो पद्धति है इसको विकसित करने में कितना प्रयास कर रहे हैं सर? देखो मैं जो रिसर्च कर रहा हूँ वैसे रिसर्च अभी तक ना किसी ने की है, ना मेरे जितनी मैंने स्टडी की है या मेरी नॉलेज में है अभी तक कोई नहीं कर रहा है। हाँ रिसर्च चल रही है लेकिन उस लेवल की नहीं चल रही है जो मैंने कोशिश शुरू करी है, ये आपको कहीं पर मार्केट में नहीं मिलेगा, ये मेरी अपनी रिसर्च की बनाई हुई चीज़ है, यहाँ तक कि मैंने खुद भी मेडिसिन प्रिपेयर की है, क्योंकि मेरा ध्येय ये है कि जो सबसे बड़ी समस्या होती है जिसकी वजह से पेशेंट्स को एलोपैथी में जाना पड़ता है वो है इंस्टेंट रिजल्ट। तो हमारी कोशिश ये है कि समय कम लगे और रिजल्ट ज़्यादा मिले, इसी पर हम काम कर रहे हैं। हालांकि हम सब साइंसों को मानते हैं क्योंकि कोई भी साइंस अलग नहीं है, हमारा बेसिक स्ट्रक्चर तो वही है, एनाटॉमी फिजियोलॉजी पैथोलॉजी तो वही रहेगी, तो वो तो हमें समझनी ही पड़ेगी ना जी। बिल्कुल, तो सर कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज़ चैनल जब के मध्य आया है, जैसे पहले भी हमने आपको कवर किया, तो हमारे चैनल का एक हमने बीड़ा उठाया हुआ कि धरातल से जुड़ी हुई खबरों को अपने व्यूअर्स तक पहुंचाएं और उनकी जानकारी बढ़ाते रहें दिन प्रतिदिन, तो आप हमारे चैनल के माध्यम से लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं एक ही चीज़ की अपील करना चाहूँगा कि पहले तो इस माहौल में घबराइए मत, दूसरा अगर जो आपको कोई भी दिक्कत आती है इमीडिएटली डॉक्टर को दिखाएं, अपने आप केमिस्ट पे जाके दवाई ना लें। तीसरी चीज, आप होम्योपैथी में आइए, शुरू में आएंगे तो आपको जल्दी रिजल्ट मिलेगा, आप जितना खराब करके आएंगे उतना ज़्यादा समय लगेगा, क्योंकि टाइम तो लगेगा फिर, है ना। तो इसलिए मेरा कहना ये है कि आप एक बार आजमा के देखिए जी, तभी आपको भरोसा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, वो आपने बहुत अच्छी जानकारी हमसे साझा करी, तो बने रहिए कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज़ के साथ और भी ताज़ा खबरों के लिए, धन्यवाद।